दोस्तों आज अपन बात कर लेते हैं जिनका जो मई माह का जो बिल पास हो चुका है तो आपको करना क्या है, और जिनके जो अभी अप्रैल का पेमेंट रुका हुआ है वह उसके साथ कुछ भाइयों के जो अभी वेरीफाई फॉर्म अप्रूव पड़े हुए हैं और जो आपका मई माह का पेमेंट नहीं आया, आप सभी को करना क्या है। देखो साथियों, जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका अभी जो आपका अप्रैल माह का पेमेंट रुका हुआ है कुछ का, तो आप ऐसा करें भाई, आपको रोजगार कार्यालय के खिलाफ शिकायत नहीं करवानी है बल्कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नाम शिकायत करवानी है। यानी जहां से आपका पेमेंट डाला जाता है वो उसके खिलाफ आपको 181 पर शिकायत डलवानी है। दोस्तों ध्यान रखना, इस शिकायत का जो समाधान होता है 3-4 दिन का होता है। यदि आपका बजट नहीं आता है तो फिर इसमें लंबा समय लग जाता है, ठीक है। बजट आने के बाद इसमें 3 या 4 दिन में आपका पेमेंट डाल दिया जाता है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जिनका अभी मई माह का बिल पास नहीं हुआ है, जैसे मान लो भाई कुछ ज़िले हैं उनका मई माह का बिल पास हो चुका है लेकिन उन्हीं ज़िलों में कुछ ऐसे बेरोजगार साथी हैं जिनका अभी बिल पास नहीं हुआ है, तो आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नाम शिकायत न करवा के आपको रोजगार कार्यालय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है, ताकि जो आपका हेड ऑफिस से बिल जारी किया गया है उस आपके बिल को वो सीधे ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास भेज दें, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ये है कि जिनके फॉर्म अभी वेरीफाई पड़े हुए हैं, देखो साथियों जिनके फॉर्म वेरीफाई पड़े हुए 1.5 साल से लंबा समय हो चुका है, आप सभी 181 पर शिकायत करवा दें, ठीक है ना। जैसे ही फॉर्म अप्रूव होंगे आपके फॉर्मों को अप्रूव कर दिया जाएगा। साथियों देखो, गवर्नमेंट क्या है करना चाहिए, बहुत लंबा समय हो चुका है, नहीं तो फिर आपके जो फॉर्म है वेरीफाई पड़े रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकाल है लगभग 2-2.25 साल का बचा हुआ है। तो इसमें साथियों आप सोच सकते हो भाई, मान लो इस साल होंगे तो अगले साल जो साल फॉर्म अप्रूव होंगे उनको मुश्किल से ही 1 साल का भत्ता मिल पाएगा, ठीक है ना। क्यों भाई, आगे जो सरकार आएगी पता नहीं आपको 3500 दे, 4000 दे या नहीं दे, 500 दे, ठीक है ना, वो आगे की बात है। इसलिए आप सभी को मिलकर दोस्तों दबाव बनाना ही पड़ेगा यदि आप बेरोजगार भत्ता लेना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो साथियों जो ये समय है आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। कभी इंटर्नशिप के नाम पर निकल जाएगा, कभी सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने के नाम पर निकल जाएगा। इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, बिना जागरूक कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। चैनल को शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।